खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां ब्लॉक खुटार के एक गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला को सरकारी एम्बुलेंस से खुटार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने यह कहते हुए मामला रफा दफा कर दिया कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है। पीड़ितों ने काफी फरियाद की तो महिला को भर्ती किया गया, लेकिन बीती रात 2 बजे परिजनों को यह बताया गया कि यह डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी, मरीज को जिला अस्पताल ले जाओ। परिजन काफी परेशान हुए और उन्होंने पीड़ित महिला को खुटार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने भर्ती के 1 घंटे बाद एक बच्ची को जन्म दिया। सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी कमी थी खुटार के अस्पताल में जिस कारण महिला की डिलीवरी खुटार के सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकी। रेफर लेटर मिलने के बाद निजी अस्पताल में 1 घंटे के बाद उसी महिला ने एक नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्ची को जन्म दिया। अब परिवार के पास जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या सरकार की अन्य योजनाएं पाने के लिए मुश्किलें सामने आ गई। अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? यही हाल आशाओं का भी फोन लगाने के बाद पता नहीं चलता कि या तो फोन बंद है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही का कोई भी शिकार हो सकता है। डॉक्टरों का हजूम होने पर भी नाइट में आप जी रहे या मर रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है। जब CSC प्रभारी से बात हुई तो बताया कि वह रिस्क लेना नहीं चाह रही थी और उनके बचाव की बात करते हुए नजर आई